हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। सो जो आज इस वीडियो में हम जो हमारा ब्लड रिलेशंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन देखते हैं हम जो क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं ये जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए JKSSB के उसमें आए और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पॉइंटिंग अ गर्ल इन अ बस मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने लिखा है कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा, तो हम क्या करते हैं ड्रॉ करके एक एक लाइन को समझते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, अब वो क्या बोल रहा है कि एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके, एक गर्ल की तरफ इशारा करके हम ऐसे गर्ल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये गर्ल है। मैन टेल्स हिज फ्रेंड, मैन बोलता है अपने फ्रेंड को शी इज़ द डॉटर ऑफ द, ये हमें पता चल रहा है जो गर्ल ये क्या है स्टार्टिंग में, ये एक डॉटर है। ठीक है, तो इसके जो पेरेंट्स होंगे हम उनको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। ठीक है, किनकी डॉटर है ये, ओनली सन। ठीक है, मान लो ये किसी का सन है, यहाँ पे लिख देता हूँ सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, किसकी, पापा की बीवी का, मतलब कि क्या बोल रहा है वो आदमी, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन, ये आ गया ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, मेरे पिता की बीवी का इकलौता जो बेटा है उनकी लड़की है वो। ठीक है, तो इनका यहाँ पे मैं जो मैन है, ये मैन है उसका, मैं यहाँ पे उसका फादर बना लेता हूँ और यहाँ पे आगे उसकी वाइफ। ठीक है, फादर और वाइफ का इकलौता बेटा है। ठीक है, वो सन, तो जो ये मैन हो गया यही हो गया ना इनका इकलौता बेटा, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनका एक ही ओनली सन, मतलब कि जो मैन खुद वो बात कर रहा है वो है। ठीक है, ओनली सन है जो वो मैन, उसकी लड़की है ये गर्ल जिसके बारे में फ्रेंड बता रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, जो ये गर्ल है ये मैन से कैसे रिलेटेड है, तो ये गर्ल क्या हो जाएगी इसकी, ये इसकी डॉटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर, डॉटर है ये इसकी। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। ठीक है, राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद इज़ रॉबिन्स फादर, शीला इज़ प्रमोद सिस्टर, प्रेमा इज़ प्रमोद नीस, शुभा इज़ शीलाज ग्रैंड डॉटर, हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू शुभा। ठीक है, तो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको देखते हैं हम, ड्रॉ करके देखते हैं ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर ए में राहुल लिख लेता हूँ, आर बी रॉबिन। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ब्लड रिलेशन वाले में बताया था, तो जो सेम जनरेशन वाले होते हैं उनको एक लाइन में आपने रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। प्रमोद इज़ रॉबिन्स फादर, ये रॉबिन है, इनके फादर का क्या नाम है, प्रमोद। ठीक है, तो मैं पी आर लिख लेता हूँ, प्रमोद। शीला इज़ प्रमोद सिस्टर। ठीक है, प्रमोद की सिस्टर कौन है, शीला, तो ये SH में लिख देता हूँ शीला। अब ये प्रमोद और शीला एक जनरेशन में, तो इसलिए मैंने इनको सेम लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, प्रेमा इज़ प्रमोद नीस। ठीक है, जो प्रेमा है वो प्रमोद की नीस है, तो नीस कौन होती है, नीस होती है भतीजी या फिर भांजी। ठीक है, जैसे भतीजा होता है तो उसका फीमेल वर्जन क्या होता है, नेफ्यू का नीस। ठीक है, तो कौन है, जो प्रेमा है। ठीक है, प्रेमा अभी हमने ड्रॉ नहीं की है, तो जो प्रेमा है वो कौन है, प्रमोद की नीस है। ठीक है, तो ये प्रमोद है, इनका कोई भाई होगा, उनकी बेटी है, तो वो अभी उनका भाई नहीं पता है इनका, ये जो शीला है इनकी बेटी होगी। ठीक है, प्रेमा, PRE लिख लेता हूँ, प्रेमा। शुभा इज शीलास ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जो शुभा है वो शीला की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर कौन हो जाती है, पोती। ठीक है, तो ये शीला है, इनकी बेटी हो गई ये प्रेमा और इनकी बेटी हो गई शुभा। ठीक है, SHUB, शुभा लिख लेता हूँ मैं। अब इन्होंने पूछा है हाउ इज़ राहुल रिलेटेड टू शुभा। ठीक है, ये आ गई शुभा और ये स्टार्टिंग में है राहुल। ठीक है, राहुल और रॉबिन क्या है, दो ब्रदर हैं। ठीक है, और रॉबिन के पिता कौन है, प्रमोद थे। ठीक है, तो मतलब राहुल के भी पिता कौन हो गए, प्रमोद। अब ये प्रमोद इनकी, ये कैसे हो गया, ये यहाँ पे जो शीला हो गई ये कौन हो गई, इनकी बूजी हो गई। ठीक है, तो जो बूजी की बेटी
इस तरह से तो जो शोभा और राहुल का क्या रिलेशन हो गया यहाँ पे जो शोभा है वो क्या रिलेशन होगा राहुल के साथ, ये इनके अंकल लगेंगे, ठीक है, ये इनके होंगे अंकल। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो जो राहुल हैं वो कौन है, अंकल हैं शोभा के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होना था, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली डायग्राम बना के आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ए एंड बी आर दी यंग वंस ऑफ सी, ठीक है। तो यंग वंस कौन होते हैं, यंग वंस होते हैं जैसे कि एनिमल्स के यंग वंस होते हैं, जैसे कि उनके बच्चे, वैसे इंसानों के यंग वंस कौन होते हैं, जो आगे उनके बच्चे होते हैं। और यंग वंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, यंग वंस जैसे कि नौजवान या फिर ऐसे उनको दिखाने के लिए यंग वंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ भी यंग वंस क्या मतलब है, सी के बच्चे ए और बी, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, ए एंड बी आर दी यंग वंस ऑफ सी, तो ये सी इनका पेरेंट है और ए और बी इसके यंग वंस है, मतलब कि इनके बच्चे हैं, ठीक है। इफ सी इज़ दिस मदर ऑफ बी, अगर जो सी है ये मदर है बी की, ठीक है, सी मतलब कि फीमेल है। बट ए इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी, लेकिन जो ए है ये डॉटर नहीं है। तो अगर डॉटर नहीं है तो ये हो सकता है ये सन हो सी का, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो सी और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, तो ये मदर और सन की रिलेशनशिप हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर वो तो नहीं होगा क्योंकि यंग वंस है, नीस एंड आंटी ये भी नहीं होगा, नेफ्यू एंड आंटी भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 शायद से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो है मदर एंड सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मदर एंड सन इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपना, अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर, एज एक प्रिजनर है, एक कैदी है, वो इंट्रोड्यूस करता है एक लड़के को जो कि मिलने आया है उससे। तो वो जेलर को क्या बोलता है, वो कौन है, अभी कौन बोल रहा है, ये प्रिजनर बोल रहा है, ठीक है, प्रिजनर बोल रहा है जो लड़का है वो कौन है। तो प्रिजनर क्या बोलता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नो वन, ठीक है, भाई बहन मेरा कोई भी नहीं है, ही इज़ माई फादर्स सन्स सन, ठीक है। जो ये प्रिजनर है इसका जो फादर है, ठीक है, इनके जो फादर हैं, फादर्स सन्स सन, ठीक है, फादर के लड़के का लड़का, तो यहाँ पे सन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वो लड़का क्या हो गया, ये प्रिजनर है, इन्होंने खुद बोला है कोई भाई बहन नहीं है उनका, तो ये फादर है, ये वो प्रिजनर है, कैदी है, और उसका जो लड़का है वो उनसे मिलने आया। तो हु इज़ द बॉय, वो लड़का कौन है, वो प्रिजनर का ही लड़का है, वो उसका सन है रिलेशन में, ठीक है, बेटा है उसका। क्वेश्चन नंबर 4th ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, ठीक, रेखा इज़ द मदर ऑफ शरद हु इज़ लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, द हेड ऑफ द फैमिली इज़ रामलाल हु इज़ सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन, ठीक है। गोपाल एंड गंगा हैव बिन मैरिड फॉर 35 ईयर्स एंड हैव 3 चिल्ड्रन, हाउ इज़ मिथुन रिलेटेड टू मोहन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं इसमें। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कोई लंबा चौड़ा सा, तो आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली दिया हुआ है हमेशा वहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दी हेड ऑफ़ द फैमिली इज़ रामलाल, तो रामलाल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये आ गया रामलाल, आर एल लिख लेता हूँ मैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हु इज़ सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन, इसके दो लड़के हैं, एक का नाम क्या है गोपाल और एक का नाम है मोहन, ठीक है। गोपाल एंड गंगा हैव बिन मैरिड फॉर 35 ईयर्स, गोपाल और गंगा की शादी होगी, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हैं, एंड हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है, और इनके 3 बच्चे हैं, 3 यहाँ पे मैं इनके यंग वंस बना देता हूँ, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो स्टार्टिंग में लिखा था वो हमने देखना है, अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट आर, अब यहाँ पे बोल रहे हैं गंगा की बात कर रहे हैं, गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा, दो बच्चों के हमें पता चल गया है कौन कौन है, एक है राम आर ए और एक है रेखा आर के लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, तीसरा अभी हमें नहीं पता है, वो आगे पता चल जाएगा। रेखा इज़ दी मदर ऑफ शरद,
अब यहाँ शरत आ गई है। तो जो ये आर के रेखा, ठीक है, इनकी इनकी हमें पता चल रहा है कि इनकी एक बेटी भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है रेखा इज़ द मदर ऑफ शरत। एस एच में डाल देता हूँ यहाँ पे शरत, ठीक है। ये कौन है? रेखा, रेखा की बेटी है शरत, हु इज़ लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मिथुन जी। तो मिथुन कौन होंगे? कौन है ये? शरद के अंकल हैं। तो शरद के अंकल कौन होते हैं फिर? कौन होंगे यहाँ पे? यहाँ पे रेखा है और यहाँ पे कौन है, जो दो नाम हमें बताए थे, राम और रेखा। राम और रेखा, ठीक है, एक तो अंकल हो गए इनके राम और एक हो गए यहाँ पे मिथुन। यहाँ पे इन्होंने बोला था ना इनके तीन बच्चे हैं, तो वो तीन बच्चे कौन हैं? गंगा और गोपाल के तीन बच्चे मिथुन, रेखा और राम। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दे दिया हमें कि शरद इज़ लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन, जो भी है। तो ये मिथुन हमें पता चल गया इनका अंकल है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ से फिर हमने कर दिया दी हेड ऑफ द फैमिल। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आगे जो हमने सॉल्व करना है? हाउ इज़ मिथुन रिलेटेड टू मोहन? तो जो ये मिथुन है, ठीक है, यहाँ पर है मिथुन, ये मोहन से किस तरह से रिलेटेड है? ये मोहन है, ठीक है, जो रामलाल के दो बेटे हैं गोपाल और मोहन, ठीक है। तो मिथुन किस तरह से रिलेटेड है मोहन के? ये दोनों भाई हैं गोपाल और मोहन, और जो मिथुन है ये गोपाल का लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा? मिथुन इज़ रिलेटेड टू मोहन, मिथुन किस तरह से मोहन से रिलेटेड है? तो मिथुन क्या लगता है मोहन का? यहाँ पे नेफ्यू लगता है, ठीक है, भतीजा लगता है मोहन का यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या है? नो रिलेशन, अंकल, सन, ब्रदर। अगर यहाँ पे पूछा होता इन्होंने कि हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू मिथुन, तो यहाँ पे ऑप्शन अंकल आना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिथुन पूछा, हाउ इज़ मिथुन रिलेटेड टू मोहन, तो वो नेफ्यू लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे नो रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे, आई होप आपको समझ आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह से जो क्वेश्चंस वगैरह हैं और टॉपिक्स वगैरह हैं कवर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।